Hey guys, before watching this video, I would suggest that you just go and watch the previous part of this video, Marketing Management Part 1 and Part 2, because before understanding the Part 1 and Part 2, you will not be able to understand Part 3. Actually, all these three videos are interconnected, and this is the third part of this चैप्टर इन सीक्वेंस. सो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि मार्केटिंग का मतलब क्या है. बेसिकली मार्केटिंग मीन्स वेयर वी परफॉर्म न्यूमेरस एक्टिविटीज, वेयर वी परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेटिस्फाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन. मीन्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड. जहाँ पे हम बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो पूरा हो सके. और इसी के साथ मैंने आपको तीन वर्ड्स भी बताए थे कि मार्केटिंग के जो तीन वर्ड्स हैं बेसिकली प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे. द फर्स्ट वन इज दैट कि इट इज़ अ पोस्ट प्रोडक्शन, इट इज़ नॉट अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी. मतलब है कि मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो आज के टाइम पे एक पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है. वो प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है. आप मार्केट में जाके कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट के बिकने के बाद तक चलती है. जैसे आप कस्टमर्स को आज के टाइम पे आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस देते हैं. और दूसरी चीज़ मार्केटिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है. सोशल प्रोसेस मतलब जहाँ पे कस्टमर बेसिकली अपनी ज़रूरत का सामान ढूंढता है और उसके लिए एक वैल्यू पे करता है, एज वेल एज मार्केटर भी कस्टमर की नीड को पूरा करने में लगा हुआ है, एज वेल एज. और जो थर्ड था दैट इज़ मार्केटिंग का जो अल्टीमेट फोकस है दैट इज़ कि प्रॉफिट कुड ऑनली बी मैक्सिमाइज व्हेन द कस्टमर इज सेटिस्फाइड. तो आपका फोकस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं. तो मार्केटिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको गुड्स डिलीवर करने के लिए एक मार्केटर बहुत सारी फंक्शंस परफॉर्म करता है. जैसे मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, उसे डेवलप करना, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग, उसका प्राइसिंग, उसकी ब्रांडिंग, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस एंड सेलिंग. तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हम एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए परफॉर्म करते हैं, इन सारी एक्टिविटीज़ को हम पहले से ही क्या करते हैं, प्लान करते हैं. मतलब इन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, तो इसी को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं. सो बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या, मार्केटिंग मतलब सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेटिस्फाई कस्टमर. एंड मैनेजमेंट मतलब क्या है, इट रिफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज. तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म करते हैं उनको प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको डायरेक्ट करना और उसको कंट्रोल करना. प्लान मतलब पहले से ही एडवांस में पता लगा लेना क्या करना है और उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना. ऑर्गेनाइज मतलब उसको बनाने के लिए जो जो रिसोर्सेज और जो जो एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है उनको आइडेंटिफाई करना. एंड डायरेक्टिंग मतलब इंस्ट्रक्शंस देना कि इस तरीके से काम करना है. और कंट्रोलिंग मतलब ये चेक करना कि आपका जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो सही तरीके से परफॉर्म मतलब अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कमियाँ रह गई हैं, उसी को हम कंट्रोलिंग बोलते हैं. मतलब बेसिकली देखना कि जो वर्क है वो डिज़ायर्ड वे में परफॉर्म किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, दैट इज़ कंट्रोलिंग. तो इन्हीं सारी चीज़ों को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट. मतलब है इन सारी एक्टिविटीज को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. एंड फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग अगर हम चले, फिलिप कॉटलर ही इज द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू द फिलिप कॉटलर ही हैज गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट और वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस of choosing a target market, growing a target market and delivering customer superior value. तो मतलब फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है कि इसमें आप क्या करते हैं, अपना एक टारगेट सेलेक्ट करते हैं. मतलब बेसिकली उसने मार्केटिंग की ब्यूटी को डिफाइन किया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है कि पहले अपना टारगेट सेलेक्ट करिए, उस टारगेट के लिए प्रोडक्ट बनाएं और उस टारगेट को बना के छोड़ नहीं देना है, उस टारगेट को डेवलप भी करना है. मतलब उसमें नए नए कस्टमर्स भी जोड़ने हैं और उसके बाद कस्टमर को ये एहसास दिलाना है कि जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, वो सुपीरियर वैल्यू का है. इसी को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं. तो बेसिकली आपके तीन वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे जो डेफिनेशन में उसने दिया. पहला दिया चूजिंग अ टारगेट मार्केट. टारगेट मार्केट क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टर्म मैं आपको बताता हूँ, एसटीपी, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. सेगमेंटेशन मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसको पहले आप सेगमेंट करो, मतलब उसको आप टुकड़ों में बांटो पहले.
क्योंकि आप पूरे मार्केट के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले सेगमेंटेशन करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब आप डिसाइड करें कि आप किसके लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। आप टीनेजर्स के लिए बनाना चाहते हैं, आप इन्फेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं, आप एडल्ट्स के लिए बनाना चाहते हैं, आप मेल्स के लिए बनाना चाहते हैं या फीमेल्स के लिए बनाना चाहते हैं, या आप साइंस के बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, या आप कॉमर्स के बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप वेजिटेरियंस के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप नॉन वेजिटेरियंस के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, किसके लिए बनाना चाहते हैं। तो पहले आप वो टारगेट सेलेक्ट करें, बिकॉज हम सबके लिए प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए आपका टारगेट होना चाहिए सबसे पहली चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल एक फोटोग्राफर होता है, वो क्या करता है, वो इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतना बड़ा व्यू होता है, उस व्यू में से वो बेस्ट व्यू सेलेक्ट करता है। मतलब सीनिक ब्यूटी होती है, उसमें से वो सब पूरी सीनिक ब्यूटी की फोटो तो ले नहीं सकता ना, तो वो क्या करता है, उसमें से बेस्ट व्यू लेता है, उसको फोकस करता है और उसको शॉट करता है। तो वही एक मार्केटर को करना है। इतनी बड़ा जो पॉपुलेशन है, सोसाइटी है, उसमें से वो सबके लिए प्रोडक्ट नहीं बना सकता, तो वो क्या करेगा, उसमें से सेगमेंटेशन करेगा कि वो किसको सेलेक्ट करे। तो उसने पहले सेगमेंटेशन किया एंड नाउ ही इज टारगेटिंग। अब उसको वो टारगेट करेगा, और टारगेट करने के बाद क्या करना है, पोजिशनिंग, मतलब उसको सेलेक्ट करना। देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द ग्रोइंग द टारगेट मार्केट। मीन्स दैट कि जो आपका टारगेट मार्केट है, अब आपको क्या करना है, उसको ग्रो करना है, उसको डेवलप करना है। मतलब है कि लगातार अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लेकर आए, नए नए फीचर्स ऐड करें, नए नए वेरिएंट्स ऐड करें, ताकि नए कस्टमर्स और जुड़े आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तभी मार्केट में आप सर्वाइव कर सकते हैं। एक्चुअली सर्वाइवल की डेफिनेशन ही यही है। सर्वाइवल का मतलब ही यही है कि आप कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब आप लगातार अपने प्रोडक्ट में अपडेट लेकर आएंगे, जब लगातार आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो उसी तरह हम सबको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने होते हैं। लाइकवाइज आप जो प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट लाने पड़ेंगे। कस्टमर कभी कभी वही पुराना प्रोडक्ट यूज़ कर करके थक जाता है, तो आपको उसको कुछ उसमें नया देना पड़ेगा। और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपका टारगेट मार्केट बढ़ेगा भी और नए लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। एंड थर्ड वन इज़ डिलीवरिंग कस्टमर सुपीरियर वैल्यू, जिसका मतलब है कि कस्टमर को एक सुपीरियर वैल्यू का एहसास दिलाना कि वो जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो एक एक्सट्रीम क्वालिटी का है, वो एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। देन नेक्स्ट, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत बेसिक भी है, आपने अभी तक इतना चैप्टर सुना, मेरे को समझा, पढ़ा, तो आप समझ गए होंगे मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा मार्केटिंग और सेलिंग क्या है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है और सेलिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। मीन्स मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मार्केटर परफॉर्म करता है। जैसे सबसे पहले तो वो नीड आइडेंटिफाई करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके बाद वो डिज़ाइन करता है, प्रोडक्ट को डेवलप करता है, फिर वो लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्राइजिंग, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसको सेल करना, उसको प्रमोट करना और कस्टमर सर्विस देना, ये सारी एक्टिविटीज उसमें आती है। बट सेलिंग क्या है, मार्केटिंग का एक छोटा सा फंक्शन है, मतलब एक पार्ट है बेसिकली आप बोल सकते हैं। तो मार्केटिंग इज अ वाइडर टर्म, वेयर एज सेलिंग इज अ जस्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। नंबर टू इज दैट मार्केटिंग इज बायर ओरिएंटेड। मीन्स मार्केटिंग का फोकस क्या है, बायर पे फोकस है, मार्केटिंग का फोकस है कस्टमर पे। कस्टमर को टारगेट करो, कस्टमर को कैसे मनाया जाएगा वो प्रोडक्ट खरीदे। वेयर एज सेलिंग क्या है, एक सेलर ओरिएंटेड है, मतलब वो सेल पे फोकस करता है कि भाई प्रोडक्ट बेचना है। आप कस्टमर से आपको मतलब नहीं है, आपका मतलब है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट कैसे बेचूं मैं। तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है। थर्ड है मार्केटिंग फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, ये मार्केटिंग का फोकस है। वेयर एज सेलिंग का फोकस क्या है, प्रोडक्ट की ओनरशिप, प्रोडक्ट के टाइटल को ट्रांसफर करना। मतलब बेसिकली आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, तो अब आपका फोकस है वो प्रोडक्ट में कैसे कस्टमर को ट्रांसफर करूँ, कैसे वो प्रोडक्ट कस्टमर को मैं बेचूं। आप उस पर फोकस कर रहे हैं, आप यहाँ पे फोकस इस पर नहीं कर रहे हैं कि कस्टमर कैसे वो प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि वो खरीदने वाली बात आ जाएगी किसमें, मार्केटिंग में। बट प्रोडक्ट को बेचने की बात किसमें करी जाती है, सेलिंग में। देन नेक्स्ट डिफरेंस है कि मार्केटिंग में आपका फोकस है प्रॉफिट कमाने का, मगर प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा, जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा, क्योंकि जब वो सेटिस्फाई होगा तभी वो प्रोडक्ट खरीदेगा भी और बार बार खरीदेगा और दूसरों को भी रिकमेंड करेगा कि वो प्रोडक्ट खरीदे। बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो ना तो वो खुद खरीदेगा कभी दोबारा, ना वो दूसरों को खरीदने देगा। एंड वेयर अ सेलिंग में प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करना है, सेल्स बढ़ाकर। आपका फोकस है कि सेल्स कैसे बढ़ाई जाए, आप उस पर फोकस करते हैं।
देन इज नेक्सस मार्केटिंग एक ऐसा फंक्शन है जो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है. मीन्स इट इज नॉट अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी. ये प्रोडक्शन प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाता है और प्रोडक्ट के बिकने के बाद तक चलता रहता है. वेर इज सेलिंग वो तभी स्टार्ट होता है जब प्रोडक्ट बनता है. जब प्रोडक्ट बनेगा तभी आप उसे बेचेंगे. सो बेसिकली सेलिंग इज अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी. वेर इज मार्केटिंग इन द प्रेजेंट टाइम इज नॉट अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी. इट स्टार्ट इवन बिफोर द प्रोडक्शन एंड इट कंटिन्यूज इवन वेन द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड. नेक्स्ट मार्केटिंग डेवलप. मार्केटिंग का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट को बनाओ मगर कस्टमर को ध्यान में रखे. मतलब आप कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं. मतलब आप रिसर्च कर रहे हैं, कस्टमर से फीडबैक फॉर्म फिल करा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कुछ कमी तो नहीं रह गई है प्रोडक्ट में, और फिर उसको आप लेकर आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं. तो बेसिकली मार्केट का फोकस क्या है, मार्केटिंग का फोकस है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करना. वेयर इज सेलिंग का मतलब क्या है कि भाई कस्टमर को मजबूर करना कि वो प्रोडक्ट खरीदे. मतलब आप यहाँ पे कस्टमर को बेंड कर रहे हैं, कस्टमर को लुभा रहे हैं कि वो प्रोडक्ट खरीदे. तो आप उसके लिए बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हैं कि कैसे कस्टमर को हम बेंड करें कि वो प्रोडक्ट खरीदे. सो बेसिकली दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 मार्क्स क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज. सो बेसिकली आपको समझना है फिलोसफी का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम मार्केटिंग मैनेजमेंट या मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, मार्केटिंग की परिभाषा कैसे कैसे बदली है, किस तरीके से बदली है. क्या हमेशा से जो मार्केटर्स हैं वो कस्टमर पे फोकस करते हुए हैं? नहीं, उनकी फोकस टाइम टू टाइम चेंज हुए हैं. तो हम यहाँ पे बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जब से हमारी कंट्री में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ पूरे वर्ल्ड में, तब से लेके आज तक मार्केटर्स का फोकस कहाँ कहाँ पे शिफ्ट हुआ है और कैसे कैसे शिफ्ट हुआ है, क्या क्या मतलब उनकी फिलोसफीज रही हैं. तो बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी जो टॉपिक है वो आपको ये समझने में मदद करेगा कि टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लेके अभी तक मार्केटर्स या जो फर्म्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, कंपनीज हैं, उनका फोकस किन चीज़ों पर रहा है, वो कैसे प्रोडक्ट प्रॉफिट कमा रहे हैं. तो उसी को समझते हैं. तो देर आर 5 आइडियल फिलोसफीज. फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन, देन द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, देन सेलिंग, देन मार्केटिंग एंड देन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. इसी को समझते हैं एक एक करके. तो फर्स्ट इज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. तो पहले समझते हैं प्रोडक्शन और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है. प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट पे आउटपुट पे फोकस करना, जो आपने बनाया है उस पे फोकस करना. प्रोडक्शन का मतलब स्केल पे प्रोडक्शन करना, मतलब स्केल पे बात करना कि जो आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मतलब ये बात है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो उस टाइम पे इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी. मतलब सप्लाई कम थी बट डिमांड बहुत ज़्यादा थी. लोग बहुत ज़्यादा खरीदना चाहते थे, डिमांड बहुत ज़्यादा थी बट सप्लाई उतनी नहीं थी इंडस्ट्रीज़ में. तो इसीलिए मार्केटर्स या प्रोड्यूसर्स का फोकस किस पे था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो, कस्टमर वही प्रोडक्ट खरीदेगा जो वाइडली अवेलेबल है. मतलब वही प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा और ख़रीदा जाएगा जो बहुत बड़े लेवल पे अवेलेबल है मार्केट के अंदर और सस्ते में अवेलेबल है. तो इसीलिए मार्केटर्स का फोकस क्या था कि प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाए. लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने से क्या होगा, एक तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल बनेगा, मतलब हर जगह पे उसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी. और जब हम बड़े स्केल पे कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने की जो लागत होती है, पर यूनिट कॉस्ट होती है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी फायदे को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जब आप बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो आपको फायदा मिलता है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फर्दर क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस गिरेगा और प्रोडक्ट क्या होगा, सस्ता होगा. तो यहाँ पर ये इंश्योर किया गया कि प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया जाए और जिसकी वजह से प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा, और जो प्रोडक्ट अवेलेबल और अफोर्डेबल होगा कस्टमर उसी प्रोडक्ट को खरीदेगा. दैट वाज द फोकस ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. फिर धीरे धीरे करके मार्केटर्स का फोकस बदला क्योंकि उन्होंने, उनको ऐसा लगने लगा कि शायद जो की है एक सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन की या की टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट जस्ट अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदे तो शायद अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ज़रूरी नहीं है. मतलब सिर्फ अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी जो है वो ही एक कारण नहीं है. अगर कस्टमर उनका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी देखेगा. तो अब जो फोकस शिफ्ट हुआ अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी से, वो शिफ्ट हुआ प्रोडक्ट पर. मतलब अब भाई प्रोडक्ट पर बात करो, प्रोडक्ट बना के दो अच्छा,
तभी आपका प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर फोकस किया गया प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाने पर, कि प्रोडक्ट में कैसे बदलाव लाए जाएं, अच्छे बदलाव, नए फीचर्स उसमें इम्प्रूवमेंट ऐड करना कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे, उसको इम्प्रूव करना। और यहाँ पे एक चीज़ भी आप समझें कि प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट ऐसे होने चाहिए जो मतलब बेसिकली एक्सेप्टेबल हो। तो यहाँ पर बात करी गई है एक अच्छी क्वालिटी ऑफर करना, बढ़िया परफॉर्मेंस देना, नए नए फीचर्स आपको प्रोडक्ट में ऐड करने हैं। और यही एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की पहचान थी उस टाइम पे। नेक्स्ट है आफ्टर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। ऐसा माना गया कि भाई आपने अवेलेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी भी दे दी, बट तब तक कस्टमर वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक आप कस्टमर को कन्विंस ना कर दें कि भाई तू हमारा प्रोडक्ट खरीद। कन्विंस मतलब उसको मनाना है, उसको परस्यूट करना है, उसको एनकरेज करना है कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट खरीदें। और जब तक एक कंपनी कस्टमर को कन्विंस नहीं करेगी, उसको प्रमोट, प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेगी एडवर्टीजमेंट से या सेल्स प्रमोशन टेक्निक से या किसी भी टेक्निक से जिससे कस्टमर को एक तरीके से अवेयरनेस मिले, उसको एक इन्फॉर्मेशन मिले प्रोडक्ट के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पर आपको कन्विंस करना है कस्टमर को कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट खरीदें। और जब तक कोई कंपनी कन्विंस नहीं करेगी तब तक प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो यहाँ पर बात करी गई है सेल्स को बढ़ाने पर, और सेल्स तभी बढ़ेगी जब हम टेक्निक यूज करेंगे प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और प्रोडक्ट को बेचने के लिए टेक्निक्स क्या होती हैं, एडवर्टीजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन टेक्निक जैसे डिस्काउंट, कूपन्स, ऑफर्स, रिफंड्स, ये सब चीज़ें देना, तभी कस्टमर खरीदेगा। तो यहाँ पे एक वर्ड आप याद रखें, एग्रेसिव सेलिंग, कि भाई एग्रेसिव सेलिंग करनी पड़ेगी, चिल्ला चिल्ला के प्रमोट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, तभी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। फिर आता है सेलिंग के बाद नेक्स्ट वन इज, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ने लगा, नए नए प्रोडक्ट्स आने लगे, प्रोडक्ट में बहुत तेजी से बदलाव होने लगे, कस्टमर अवेयर होने लगा, कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लगातार बदलने लगे, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो ऐसे धीरे धीरे करके मार्केटर्स का जो अप्रोच है वो प्रोडक्ट से शिफ्ट होकर अब हो गया कस्टमर के ऊपर। मतलब अब उनको लगता है कि भाई प्रोडक्ट तो बन गया, अब ठीक है प्रोडक्ट बनाएंगे, मगर पहले कस्टमर के बारे में पता चले कि कस्टमर चाहता क्या है। जब तक आप वो चीज नहीं पहचानेंगे कि कस्टमर चाहता क्या है, वो कैसा प्रोडक्ट चाहता है, तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिक सकता है। तो यहाँ पर फोकस अब शिफ्ट हुआ है फाइनली, दैट इज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना और उसको पूरा करना, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। तो आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर, बॉन्ड्स आइडेंटिफाई करें और उसे फिल करें। एंड अल्टीमेटली एक कंपनी प्रॉफिट तभी कमा सकती है जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन उन्हें मिलेगा, जब कस्टमर उनका सेटिस्फाई होगा तभी उन्हें प्रॉफिट मिल सकता है, तभी कस्टमर बार बार प्रोडक्ट खरीदेगा, तभी उनकी रिपीटेटिव सेल्स होगी, तभी कस्टमर और नए लोगों को बताएगा उनके प्रोडक्ट के बारे में। तो अल्टीमेटली यहाँ पे फोकस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। और धीरे धीरे करके करते जैसे जैसे हमने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना स्टार्ट करा और अवेयरनेस बढ़ने लगी, हमारे सामने एक और चुनौती आई, एंड दैट इज द सोसाइटी। मतलब कि आप ऐसा ना हो कि आप कस्टमर की ज़रूरत को सेटिस्फाई करने में ये भूल जाएं कि आप सोसाइटी को, आप एनवायरनमेंट को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या बोलता है कि आप प्रोडक्शन करें, आप कस्टमर को सेटिस्फाई करें, उसकी नीड को सेटिस्फाई करें, बट सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, उस प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से कहीं सोसाइटी को कोई नुकसान ना पहुंचे, और अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है तो आप उसमें एक अच्छा योगदान दें, उसमें एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेकर आएं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, वो कस्टमर की ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे गुड्स वगैरह बना रहा है, और उन गुड्स प्रोडक्शन के चक्कर में पॉल्यूशन, वो रिसोर्सेज को ख़राब कर दे रहा है, बहुत गंदगी फैला रहे, दैट इज़ नॉट सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि आपको एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना है, आप सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, इकोलॉजिकल, एथिकल, हर एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप प्रोडक्शन करें और अपने बिजनेस को चलाएं। थैंक यू, ये अगली वीडियो के लिए आप वेट करें थोड़ा सा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम है तो डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।